हाँ सिरों लेके पैर तक सारा असली पौधा नहीं होगा गबरू ब्रांड नकली भैंस भैंस लिखदा है लोड। तो आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल टेक्निकल XYZ में स्वागत है। दोस्तों आप जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी है, मैं उसका ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो बनानी है बड़े ही आसानी तरीका से, तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप पुराने हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल पर मैं सिखाता हूँ आपको कैसे बनानी हो वीडियो। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। अगर दोस्तों आप पर मेरा वाला प्रो वर्जन नहीं है काइन मास्टर का, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो वाला डाउनलोड कर लीजिए मेरा वाला। और साथ ही ग्रीन स्क्रीन वीडियो का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर होगा ओपन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्लस का, आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है बीच वाला 9:16 वाला। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे राइट साइड में ऊपर आपका एक ऑप्शन ऑन रहेगा मीडिया का, आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर एक फर्स्ट में ही ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अपने बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और इस येलो वाले पर टैप करके इसको स्क्रॉल कर लीजिए, जो कि 15 सेकंड तक इसको कर लीजिए। मैंने कर लिया है अपना 15 सेकंड तक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा राइट का, आप राइट कर दीजिए। राइट करने के बाद इस एरो पर टैप कर आप स्टार्टिंग में चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में एक ऑप्शन होगा लेयर का, आपको लेयर पर टैप कर देना है। हम लेयर पर टैप उस वीडियो को लाने के लिए कर रहे हैं जो आपने डाउनलोड कर लिया ग्रीन स्क्रीन वाली। फिर आपको लेयर पर टैप कर देना है। लेयर पर टैप करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे साइड में। तो आप देखेंगे फर्स्ट में एक ऑप्शन आएगा मीडिया का, आपको मीडिया पर टैप कर देना है। जैसे आप मीडिया पर टैप करेंगे दोस्तों आपकी गैलरी खुल जाएगी, वो वीडियो आपकी जहाँ भी हो वहाँ से ले लीजिए। मैंने अपनी वो वाली वीडियो ले ली है, आपकी जहाँ भी वो वीडियो हो वहाँ से उसको ले लीजिए। आपको क्या करना है, इस एरो पर टैप कर अपनी वीडियो को इस फुल स्क्रीन में कर लीजिए। दोस्तों देखो मैंने अपनी फुल स्क्रीन में कर ली है, अब आपको अपनी वीडियो थोड़ी प्ले कर देखनी है आगे को। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, यहीं से जहाँ से अपना ग्रीन स्क्रीन आना स्टार्ट होता है वहीं से आपको अपनी वीडियो पॉज कर देनी है। पॉज करने के बाद आपको उस वीडियो पर टैप करना है, उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा क्रोमा की का, आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर टैप करना है। क्रोमा की वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कलर चूज करने का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, उसकी जगह पर आपको सिर्फ ग्रीन कलर चूज करना है। यहाँ से मैंने अपना ग्रीन कलर चूज कर लिया है और यहाँ से कर देना है उसको राइट। राइट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा अनेबल का, आप उसको अनेबल कर दीजिए। देखिए दोस्तों देखिए मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसकी लाइटिंग कम हो गई है मुझे लगता है। हाँ ठीक है, अब आपको यहाँ से फिर उसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद अब आपको इसमें अपना फ़ोटो लगाना है, तो आपको यहीं से स्टार्टिंग में ही रोकना है अपनी वीडियो को यहीं पे। फिर आपको अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको लेयर पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ फर्स्ट में ही मीडिया में चले जाइए। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों जो भी आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो आप अपना एक फ़ोटो ले लीजिए। मैंने अपना ये वाला एक फ़ोटो ले लिया है, आप भी अपना कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए। आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो को यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक कर सेंड टू बैक में कर दीजिए। नीचे ऊपर से 5वें नंबर पर एक ऑप्शन आएगा सेंड टू बैक, उस पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड में भेज दीजिए। फिर अपने फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद इस एरो पे इस येलो वाले पर टैप कर अपनी फ़ोटो को भी वीडियो के बराबर बड़ा कर लीजिए। फिर आप अपनी वीडियो प्ले कर देखिए एक बार। दोस्तों मेरा मुँह नहीं आ रहा ठीक से, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो पर टैप करना है, अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों मैंने अपना फ़ोटो एडजस्ट कर लिया है, आप भी अपना फ़ोटो एडजस्ट कर लीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो बनकर रेडी हो गई है, अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है वहीं पे अपना पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद ऊपर वाले बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और यहाँ एक सीजर का ऑप्शन आएगा, सीजर पर टैप कीजिए और यहाँ से कर दीजिए ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट। अगर ज़्यादा बड़ा बैकग्राउंड है आपका तो आप उसको ऐसे कट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा शेयर का, आपको शेयर पर टैप करना है। जैसे आप शेयर पर टैप करेंगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा एक्सपोर्ट का, आप उस पर टैप करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए अपनी मेमोरी में। चलो दोस्तों मिलते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक।